Hello everyone. Today we'll see another most frequently asked question in interviews. That is power status in India. India mein power ka status kya hai? Kitna power generate ho rahe? Kitna power kahan se generate ho rahe? Thermal se kitna power ho rahe? Hydel se kitna power aa raha hai? So ye sare cheez hum dekhenge with respect to our India. Kyunki ye to quite normal hai bhai. अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके प्राउडली बोल रहे तो कोई ना कोई पूछेगा ये सवाल तो वी शुड बी रेडी विद द आंसर्स एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट मी से वन थिंग आई डोंट नो मच ऑफ हिंदी आई एम ट्राइंग टू लर्न हिंदी सो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी सो यू मे आई मे रोल सम मिस्टेक्स आई मे You know, commit some mistakes in spelling some Hindi words. I hope you don't mind with all those things. ठीक है, let's start with our work. अच्छा चलिए देखते हैं. So हमको क्या चाहिए अभी? पूरा इंडिया का पावर जनरेशन का स्टैटिस्टिक्स चाहिए. तो ये सारे कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? और कहाँ? गूगल बाबा से पूछ लेते हैं. सो कीवर्ड है पावर मिन डॉट एन आई सी टाइप इन गूगल पावर मिन डॉट एन आई सी हाँ आ गया सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर खोलेंगे अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ पावर पे ये भी मच्छर भी आ रहे हैं हाँ ठीक है सो अच्छा कुछ कुछ गांव का फोटोज़ है कुछ फोटोज़ है क्या भाई कुछ नया प्रोजेक्ट ने डाल दिया होगा अभी ठीक है बल्ब्स अच्छा हाँ 2012 में नासा का फोटो इंडिया के ऊपर ऐसा था अभी 2016 में ऐसा है यू कैन सी द डिफरेंस ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है I don't think you can feel it, but I can feel it from here. This is little ज़्यादा lighting है यहाँ पे थोड़ा कम है ठीक है अभी हमारा point ये है generating power कितना है So power sector at a glance, all India. Let's click that. Sir, आपने कभी इस site को देखा Of course, most of you may not have seen this. क्योंकि हमारा पास इंटरनेट है जियो वाला फ्री में इंटरनेट दे रहे हैं हम क्या करते हैं रात को बैठ के सारे बेकार का साइट देखेंगे लेकिन जो काम का है वो नहीं देखते हाँ अभी देख लेना ठीक है कम से कम एक दिन तो जियो का फ़ायदा उठाएंगे वो इंटरव्यू का आपका इंटरव्यू में काम में आएगा ठीक है अच्छा कितना हो गया टोटल कैपेसिटी कितना है 30 तारीख तक टोटल कैपेसिटी है इंडिया में 3,29,231 मेगावाट ओके ये टोटल कैपेसिटी है पावर जनरेटिंग कैपेसिटी इसमें से आप देख सकते हो 43.66% इज ए प्राइवेट सेक्टर But you will get question on this. Total thermal, how much power is generated by thermal? That is, either maybe coal or gas or oil, whatever it is, all milake 2,20,576, which turns out to be 67% of total power generation. और दूसरा क्वेश्चन कहां से आ सकता है यहां से आरईएस रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ओके रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कितना है 17.4% है
मतलब इतना मेगावाट है, 57,260 मेगावाट, ठीक है. सम रिक्रूटर्स मे आस्क मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर ओन स्टेट. कभी कभी पूछता है आपका स्टेट का पावर जनरेशन का स्टेटस बताइए. बस अब कहाँ से मिलेगा वो, फिर से गूगल बाबा, गूगल बाबा से बोलेंगे CEA.NIC. हाँ मिल गया, लेट्स चेक इट. यह साइट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये भी हम नहीं देखे होंगे पहले. हाँ देखना है सर, देखने से नौकरी मिल जाएगा. अच्छा देखने से नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ जानना की जानने का भी ज़रूरत है. हाँ है. अच्छा जून 2017 खोलिए. अच्छा पीडीएफ कुछ खोल रहे हैं, लेट मी जूम 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 बराबर जूम. मैंने सर इस गैप में बहुत सारे हिंदी मूवीज़ देख लिया, सो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सीख लिया. अच्छा सी यू कैन सी ऑल द डिटेल्स हियर, सारे डिटेल्स हमको यहाँ पास है. पहला साल कैसा था, अभी कैसा है, कितना चेंज है, यू नो यू कैन सी एवरीथिंग. बट लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू पे क्या पूछा जा सकता है. हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसमिशन लॉस कितना हुआ है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन द ईयर ऑफ 10-11 23% इज लॉस इन ट्रांसमिशन इटसेल्फ. ओके एंड इन 14-15 22% ऑफ द पावर इज लॉस्ट इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो दिस ऑल्सो दे मे आस्क. ओके सो यू शुड बी हैविंग ऑल दिस डेटा. And another question could be, yeah, this is region wise, southern region, western region, eastern region, northeast region and islands. As you know, we have divided, not we, power sector has been divided into 5 different regions, northern region, western, southern, eastern, northeast, and of course this is islands. We have different islands. So that northeast, northern region will have all these states and their corresponding units in megawatt. Okay. So likewise, every region has been described very clearly. So this is another question you may get from these regions. Okay, अभी तक हम क्या देखा, power in megawatts, power capacity in megawatts. Now क्या देख रहे हैं, power generation means energy, कितना energy है, कितना units का power हम generate किया अभी तक. So आप देख लीजिए April 16 to June 17. They plan to generate this many number of mega units. Okay, this much mega units they wanted to generate, but itna hi generate kar paya. Matlab kitna achieve kiya? 99% they achieved. 1% kahi chut gaya. Mujhe nahi lag raha ye sahi hai. क्योंकि मुझे हमेशा यहाँ पे तो पावर कट ही रहता है. ठीक है छोड़ दीजिए. सो अभी एस्टिमेट कितना है 2017 और 18 में, कितना वो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, कितना पावर आ सकता है करके, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं. ठीक है इंटरव्यू है सर, कुछ भी पूछ सकते हैं. उन लोग का टर्की वाला है, वो पूछेगा ही है ना. ठीक है
17-18 में इतना मेगा यूनिट्स दे आर प्लानिंग टू जनरेट. सो यू चेक दिस पीडीएफ फाइल, यू विल गेट सम गुड इंफॉर्मेशन. आई होप यू एंजॉयड समहाउ दिस लेक्चर. मेरा पहला हिंदी का लेक्चर है. सो सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. हेलो एवरीवन, आज अगर मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं हो रहा है सर. मुझे हिंदी आ ही नहीं रहा. आज हम देखेंगे इंटरव्यू में, ये हमारा पहला हिंदी का लेक्चर है एंड मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग हिंदी एंड आई मस्ट बी थैंकफुल टू माय व्यूअर्स बिकॉज दे आर कीप ऑन रिक्वेस्टिंग. वो लोग बहुत बार बार पूछ रहे हैं हिंदी में लेक्चर करने के लिए. सो मैं हिंदी अभी भी सीख रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने सीख लिया. सो मैं कर सकता हूँ शायद.